वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज पवन एंड यू आर वॉचिंग परीक्षा प्लेनेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की क्लासेस में हम लोग फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहे हैं, तो उसी क्रम में आज हम लोग एक पोएटिक फॉर्म की बात करेंगे, एक पोएटिक फॉर्म को डिस्कस करेंगे जिसे कहते हैं सोनेट। सोनेट बहुत ही पॉपुलर पोएटिक फॉर्म है, तो देखते हैं क्या है सोनेट। तो दोस्तों, जब भी हम कभी सोनेट की बात करें तो ध्यान रखना है कि सोनेट क्या है, बहुत ही पॉपुलर पोएटिक फॉर्म है। और जो इसके एक मुख्य पहचान है वो क्या है, इसे कह सकते हैं इट इज अ शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स, शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स। तो सोनेट की जो सबसे पहली विशेषता या सबसे पहली पहचान वो ये है कि कोई भी सोनेट है उसमें 14 लाइन्स होती हैं। सोनेट की जो पहली विशेषता है वो क्या है, सोनेट में 14 लाइन्स होती हैं। और इसके अगर ओरिजिन की बात करें तो सोनेट जो वर्ड है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो एक इटालियन वर्ड है। क्या, कौन सा वर्ड है, इटालियन, इटालियन वर्ड सोनेटो। सोनेटो से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, इटालियन वर्ड है सोनेटो, तो सोनेटो से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। आपसे पूछा जाए कि सोनेटो का मीनिंग क्या है तो आप क्या बताएंगे, अ शॉर्ट साउंड का मतलब है कोई छोटी सी ध्वनि, एक छोटी सी ध्वनि। तो जो सोनेट है, सोनेट की उत्पत्ति इटालियन वर्ड सोनेटो से हुई है, ठीक है। और इस सोनेटो का जो मीनिंग है वो क्या है, अ शॉर्ट साउंड। और अ शॉर्ट साउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक जो सोनेट है वो क्या है, एक शॉर्ट पोएम है। क्या है, एक शॉर्ट पोएम है, हैविंग 14 लाइन्स, ठीक है। इसमें कितनी लाइन्स होती हैं, 14 लाइन्स होती हैं। दोस्तों, इसमें आपने सुना होगा कि इटालियन सोनेट भी कही जाती है, पेट्राकन सोनेट कही जाती है, क्लासिकल सोनेट भी आपने सुना होगा, और स्पेंसेरियन सोनेट भी सुना होगा, और इसी के साथ साथ आपने शेक्सपियरियन सोनेट या फिर इंग्लिश सोनेट भी सुना होगा। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आज हम लोग सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करेंगे और सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सभी लोग वीडियो के अंत तक साथ रहें जिससे कि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। तो सोनेट क्लियर हुआ, अब हम बात करते हैं इट्स टाइप्स की। टाइप्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से टाइप्स हैं इसमें, टाइप्स ऑफ सोनेट्स, टाइप्स ऑफ सोनेट्स। तो जो सोनेट के प्रकार हैं उसमें आपसे अगर पूछा जाए कि इसकी ओरिजिनल फॉर्म क्या है, जो इसका ओरिजिनल फॉर्म है उसे क्या कहते हैं, इटालियन सोनेट कहते हैं, इटालियन सोनेट। इटालियन सोनेट जो है वो ओरिजिनल फॉर्म है, कैसी फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म है इसकी इटालियन सोनेट। ये कैसी फॉर्म है, ये ओरिजिनल फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ सोनेट। और फिर आपसे पूछा जाए कि ये तो हो गई आपकी इटालियन सोनेट, और फिर पेट्राकन सोनेट क्या है या फिर क्लासिकल सोनेट किसे कहते हैं, तो बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है। इटालियन सोनेट के ही जो अदर नाम हैं वो एक कवि हैं पेट्राक, पेट्राक, और पेट्राक ने जो राइम स्टाइल दी है, जो राइमिंग स्कीम दी है वो बहुत ही फेमस रही है इटली में, ठीक है। तो पेट्राक के नाम से ही उस सोनेट को पेट्राकियन सोनेट कहा जाता है, पेट्राकियन सोनेट कहा जाता है। तो ये जो इटालियन सोनेट है इसी का जो दूसरा नाम है वो क्या है, पेट्राकियन सोनेट भी कहते हैं। और क्योंकि जो सबसे शुरुआत का जो वर्ड था, शुरुआत में जो सोनेट आई थी वो उसकी उत्पत्ति इटली में ही हुई थी, उसकी उत्पत्ति अगर इटली में हुई थी, इटालियन वर्ड था, तो समझ लो कि वो सबसे पुरानी सोनेट भी थी, सबसे ओल्ड भी थी, और जो सबसे ओल्ड है वही क्लासिक है, ठीक है। तो इसी सोनेट को हम लोग क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं, ओके, क्लासिकल सोनेट भी इसी को कहते हैं।
ध्यान रखिएगा दोस्तों, पेट्राकन सोनेट और क्लासिकल सोनेट आपकी एक ही सोनेट है। पेट्राकन सोनेट कहें, क्लासिकल सोनेट कहें, इटालियन सोनेट कहें, और एक फॉर्म इसमें और आएगी, वो बात हम बाद में करेंगे, वो कौन सी रहेगी। ठीक है, तो इसमें जो पहला सोनेट का जो प्रकार था वो हम लोगों ने कौन सा डिस्कस किया, वो आपका इटालियन सोनेट हो गया। उसके बाद में अभी इसमें बात कर लेते हैं, इटालियन सोनेट जो थी वो क्या थी, इसकी ओरिजिनल फॉर्म जो थी उसमें राइमिंग स्टाइल क्या थी, चलो देखते हैं। तो इसका जो इटालियन सोनेट में कई राइमिंग स्टाइल देखने को मिलते हैं, जैसे दांते का जब नाम आता है तो उन्होंने उनकी कई सोनेट ऐसी हैं जिसमें राइम स्टाइल डिफरेंट पाया गया है। ठीक है, लेकिन जो सबसे स्टेबल राइमिंग स्टाइल है वो पेट्राक की मानी गई है, तो इसीलिए इस सोनेट को पेट्राकन सोनेट भी कहते हैं। और जो पेट्राक ने सोनेट्स लिखी थी तो वो इनकी एक प्रेमिका थी, विलब थी, लॉरा डी नोबी। ठीक है, लॉरा डी नोबी के लिए इन्होंने अपना प्रेम एक्सप्रेस करने के लिए, पेट्राक जो थे पेट्राक एक्सप्रेस्ड हिज लव टुवर्ड्स लॉरा डी नोवी। ठीक है, ये इनकी प्रेमिका का नाम था। इसके प्रेम को एक्सप्रेस करने के लिए जो इन्होंने छोटे छोटे सॉन्ग्स गाए 14 लाइन्स के, तो वो क्या थे, सोनेट थे। यानी इन्होंने सोनेट के माध्यम से अपने लव को एक्सप्रेस किया, किसके लिए, अपनी प्रेमिका लॉरा डी नोवी के लिए। क्लियर है। तो जो पेट्राक का जो फॉर्म था वो राइमिंग स्टाइल क्या थी, हम लोग उसे समझते हैं। पेट्राक ने जो सोनेट दी उसमें राइमिंग स्टाइल क्या थी, या क्लासिकल सोनेट की राइमिंग स्टाइल भी उसी को मानते हैं, और इटालियन सोनेट में भी हम वही राइमिंग स्टाइल मानते हैं। तो जो पेट्राक ने सोनेट दी उसमें जो राइमिंग स्टाइल थी वो थी ए बी बी ए, पहला जो पार्ट था। पहले हम लोग इसे समझ लेते हैं, पेट्राक ने जो सोनेट दी थी उसका स्ट्रक्चर क्या था। पेट्राकियन जो स्ट्रक्चर था सोनेट का वो क्या था, स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या था, एक तो ऑक्टेव था, पहली जो 8 लाइंस थी उसे कहते थे ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब है इसमें 8 लाइंस होती थी, तो इसे क्या कहा जाता था, 8 लाइंस वाले को ऑक्टेव कहा जाता था। प्लस एक जो इसका बाद का जो पार्ट होता था उसे कहते थे सेस्टेट। ठीक है, तो सेस्टेट, और सेस्टेट में 6 लाइंस होती थी। सेस्टेट में कितनी लाइंस हैं, 6 लाइन, यानी 8 लाइंस का ऑक्टेव है और 6 लाइंस का सेस्टेट है, तो 8 और 6 को ऐड कर देंगे तो 14 लाइंस की शॉर्ट पोएम बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट था, ये स्ट्रक्चर था किसका, पेट्राकन सोनेट का, पेट्राक महोदय ने जो सोनेट लिखी थी। और इसका जो राइमिंग स्टाइल था उसे भी समझ लेते हैं। तो ऑक्टेव और सेस्टेट की बात करें तो सेस्टेट का मतलब है 6 लाइंस है, और ये 3 लाइन भी, ये जो 6 लाइन है ये भी दो पार्ट में थी, तीन तीन के जोड़े में थी, तीन अलग हैं और तीन उसके बाद में अलग हैं। तो 3 लाइन की जब कोई भी पोएम होती है, 3 लाइन्स का जो क्वाड्रेंट होता है, जो 3 लाइन जिसमें होती है, तो उसे क्या कहते हैं, टर्सेट। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया था, इसमें 2 टर्सेट पाए जाते थे, यानी 2 जगह 3-3 लाइन पाई गई तो 6 लाइन्स हो गई, और उसे क्या कहा गया था, सेस्टेट। राइमिंग स्टाइल देख लेते हैं, 8 लाइन्स हैं तो उसमें क्या है, पहली जो 4 लाइन है उसमें ए बी ए बी ए बी बी ए का राइमिंग स्टाइल है, उसके बाद की जो 4 लाइन है उसमें भी यही रहता है, यानी ए बी बी ए, उसके बाद ए बी बी ए। ये तो इसकी बात हो गई इधर की ऑक्टेव की। और फिर सेस्टेट में क्या होता है, 6 लाइन है और 2 टर्सेट हैं इसमें, तो पहली जो है वो हो जाती है सी डी ई, और दूसरी भी इसमें हो जाती है सी डी ई। क्लियर है। आपको ये ध्यान रखना है कि ऑक्टेव का जो राइमिंग स्कीम है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, वो तो सेम है,
पेट्राकन फॉर्म में भी, पेट्राकन फॉर्म में ऑक्टेव चेंज नहीं है, लेकिन जो सेस्टेट की राइमिंग स्टाइल में भी डिफरेंट, पेट्राकन जो सोनेट्स हैं उसमें भी कुछ डिफरेंस पाया जा सकता है कि इसमें सेस्टेट की राइमिंग स्कीम में इसमें क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है। ऑक्टेव की जो राइमिंग स्कीम है वो सेम रहेगी, सेस्टेट में थोड़ा डिफरेंस भी हो सकता है। इसमें आपका हो सकता है सी डी सी सी डी सी, और इसके अलावा और भी एक फॉर्म हो सकती है इसमें, वो क्या हो सकती है सी डी सी, ये सेम रहे और यहाँ पर आपका हो जाए डी सी डी, ठीक है। तो इसमें से तीन में से कोई भी एक फॉर्म हो सकती है, इधर का तो सेम रहेगा और इधर का कोई भी एक रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, ये पेट्राकन फॉर्म का जो स्ट्रक्चर है, जो राइमिंग स्कीम है वो हो जाती है। दूसरी बात, इसमें क्वेश्चन ये होता है कि ऑक्टेव और सेस्टेट अलग अलग होने का फॉर्मूला क्यों दिया गया। तो जो पोएम होते हैं ऑक्टेव में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, ऑक्टेव में जब कभी अपनी पोएम शुरुआत करता है, पोएम की शुरुआत करता है तो ऑक्टेव में ये किसी न किसी प्रॉब्लम को उठाता है, प्रॉब्लम उठाएगी, और इसमें आपका सेस्टेट में ये उसका सॉल्यूशन, ठीक है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा इसमें, ठीक है। या हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑक्टेव है इसमें क्या रहेगा, एक तरीके का क्वेश्चन रहेगा, और इसमें आपका जो सेस्टेट है उसमें एक तरीके से इसका आंसर रहेगा, क्लियर है। तो ये सारी बातें थी, किससे, इटालियन सोनेट की बात करें या पेट्राकन सोनेट की बात करें या फिर हम लोग बात करें किसकी, क्लासिकल सोनेट की। तो क्लियर है यहाँ तक सारी बातें कि सोनेट की उत्पत्ति कहाँ से, सोनेट क्या है, इट इज़ अ शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स और इटालियन वर्ड है सोनेटो, सोनेटो का जो मीनिंग पूछा जाए आपको बताना है, अ शॉर्ट साउंड, ठीक है। टाइप्स ऑफ सोनेट की बात करें तो पहला टाइप हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इटालियन सोनेट, इसी को पेट्राकन सोनेट या क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं। एक लाइन यहाँ पर छोड़ रखी है, अभी समझेंगे क्यों छोड़ रखी थी, ठीक है। तो पेट्राक ने जो अपनी सोनेट लिखी है तो इनके सोनेट का विषय क्या है, अपनी प्रेमिका को इन्होंने एड्रेस किया है, अपने लव को, प्रेमिका के लिए जो इनका लव है उसे एक्सप्रेस किया है, ठीक है। तो जो प्रारंभ में, जो बिगिनिंग में आपसे पूछा जाए कि जो सोनेट है इसका सब्जेक्ट मैटर क्या होता था, तो प्रारंभ में या बिगिनिंग में जो सोनेट है इनका सब्जेक्ट मैटर, जो आपका जो एक पोएट है वो अपने लव को ही एक्सप्रेस करता है अपनी विलव्ड के प्रति, ज़्यादातर इसका यही रहता था। उसके बाद में जो मिल्टन आए तो लव से हटकर और भी विषयों पर सोनेट लिखे गए, और उसके बाद में इसका जो एरिया है वो वाइड होता चला गया है। इज इट क्लियर। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो बिगिनिंग में सोनेट का क्षेत्र था वो क्या था, या सोनेट का फील्ड क्या था, किस विषय पर लिखे जाते थे, इसका विषय क्या था, तो वो क्या था, लव, ठीक है, लव सॉन्ग था जो कि अपनी विलव्ड के प्रति एक लवर लिखता था। इज इट क्लियर। तो सभी को क्लियर है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के सोनेट की, सेकेंड टाइप इसमें आपका जो आएगा वो आपका आ जाता है इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट कहें या इसी को हम लोग कहते हैं शेक्सपियरियन सोनेट। चाहे हम इसे इंग्लिश सोनेट कहें या शेक्सपियरियन सोनेट कहें, बात एक ही है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस केवल इसमें राइमिंग स्कीम का है। डिफरेंस किसका होता है, इसमें कोई भी सोनेट है उसमें डिफरेंस जो होता है वो राइमिंग स्कीम का ही होता है, ध्यान रखिएगा। राइमिंग स्कीम को देखकर ही आप बता सकते हैं कि कोई भी पोएम इटालियन है या इंग्लिश सोनेट है, शेक्सपियरियन सोनेट है या कोई और टाइप है, क्लियर है। बाकी जो इसकी लेंथ है, जो लाइंस हैं वो सेम रहती हैं, 14 लाइंस ही रहती हैं, एम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, क्लियर है दोस्तों। तो बात करते हैं इंग्लिश या शेक्सपियरियन सोनेट में, इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है। शेक्सपियर ने जो सोनेट लिखी हैं, कितनी लिखी हैं, 154 सोनेट्स शेक्सपियर ने लिखी हैं, 154 सोनेट्स लिखी हैं इन्होंने, और इनका जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है, वो इन्होंने बताया है ए बी ए बी, उसके बाद में सी डी ए बी सी डी, उसके बाद ई एफ और जी जी, क्लियर है।
तो इस तरीके से इन्होंने बताई हैं, ए बी सी डी सी डी, ई एफ ई एफ और जी जी। क्लियर है? तो इसमें क्या है डिफरेंस, क्या है कि इन्होंने तो बात की थी, किसकी बात की थी, इन्होंने बात की थी ऑक्टेव की, और उसके बाद में आता था इनका सेस्टेट। सभी को ध्यान होगा, एट लाइन्स इसमें थी और इसमें कितनी थी, सिक्स लाइन्स थी, एट लाइन्स और सिक्स लाइन्स। एक में प्रॉब्लम होती थी, दूसरे में सोल्यूशन होता था, एक में क्वेश्चन होता था, दूसरे में आंसर होता था। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने थ्री क्वार्टर्स में डिवाइड किया है, थ्री क्वार्टर्स ऑफ फोर लाइन्स। जैसे फोर लाइन्स का एक क्वार्टर ये हो गया, दूसरा क्वार्टर ये हो गया, और तीसरा क्वार्टर ये हो गया। आपको राइमिंग स्कीम की समझ है, वास्तव में राइमिंग स्कीम क्या होती है या राइमिंग वर्ड कौन से होते हैं? तो समझ लीजिए कि कोई भी पोएम है, उसकी लाइन का जो एंडिंग वर्ड होता है, एंडिंग वर्ड है, उसका जो साउंड डिफाइन करता है कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या बन रही है। ठीक है, तो एंडिंग वर्ड जो है वो आपका ए है। अगर ए से मिलता जुलता जब दोबारा कभी आता है तो उसे फिर से ए लिख देते हैं, और ए है दूसरी लाइन का साउंड डिफरेंट है तो उसे बी लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया, ए वी हो गया। उसके बाद में फिर तीसरी साउंड में जैसा साउंड दिखाया, ए जैसा साउंड दिखा, तो फिर से इसे ए लिख दिया, और चौथी लाइन का जो साउंड है वो बी से मैच कर रहा। मान लो यहाँ पर फ्लाई लिखा है और यहाँ पर स्काई आ गया। क्लियर है? तो जैसा दूसरी लाइन में यहाँ पर शो हो रहा था फ्लाई, और चौथी लाइन में यहाँ पर स्काई, तो फ्लाई और स्काई का सेम साउंड है, तो बी इसके लिए लिखा, इसके लिए भी बी लिख देंगे। तो इसका जो राइमिंग स्कीम हो गया वो क्या हो गया, आपका ये हो जाएगा ए बी और फिर ए बी। क्लियर है? तो एंडिंग साउंड जो होता है, एंडिंग वर्ड का जो साउंड होता है वो डिफाइन करता है कि किसी भी पोएम की, किसी भी सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो आपकी बात है वो राइमिंग स्कीम कैसी हुई, इन्होंने जो सोनेट का स्ट्रक्चर दिया शेक्सपियर ने, या इंग्लिश सोनेट का जो स्ट्रक्चर है उसे समझ लेते हैं। इनका स्ट्रक्चर क्या है, थ्री क्वार्टेंस ऑफ फोर लाइन्स, थ्री क्वार्टेंस ऑफ फोर लाइन्स प्लस वन हेरोइक कपलेट, प्लस वन हेरोइक कपलेट। देखते हैं, तीन क्वार्टर तो ये हो गए किसके, फोर लाइन्स के, ए बी ए बी, एक दो तीन चार लाइन इसमें हो गई, चार लाइन इसमें और चार लाइन इसमें, ट्वेल्व लाइन्स ये हो गई, और फिर एक हेरोइक कपलेट है जो जिसकी राइमिंग स्कीम सेम रहती है दोनों लाइंस की, तो इसे अलग से जी और जी बोल दिया जाता है। तो ये हीरोइक कपलेट है। तो थ्री क्वार्टेंस ऑफ फोर लाइंस, तो थ्री क्वार्टेंस हैं, क्वार्टेन का मतलब चार लाइन का जो आपका छंद है, ठीक है, जो भी वर्स है। तो थ्री क्वार्टेंस ऑफ फोर लाइंस, ट्वेल्व लाइंस ये हो जाती हैं, और एक हीरोइक कपलेट है तो टू लाइंस ये। तो इस तरीके से ये फोर्टीन लाइंस कंप्लीट हो जाती हैं, और ये स्कीम हो गई, ये इसका स्ट्रक्चर है। क्लियर है? ये राइमिंग स्कीम है इसकी। ये आपका शेक्सपियरियन सोनेट का स्ट्रक्चर था, और ये था आपका राइमिंग स्कीम। अब आपने सुना होगा स्पेंसेरियन सोनेट को भी, खासतौर पे हम लोग को दो जो आपके सोनेट हैं, इटालियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट में डिफरेंस समझना पड़ता है। लेकिन एक जो सोनेट है वो आपने देखी होगी कि स्पेंसेरियन सोनेट कहा जाता है, कई बार मिल्टोनिक सोनेट भी आप सुनते हैं। तो चूंकि ये लोग तो इटली में लिखी गई थी, ये जो सोनेट थी इटली में लिखी गई, इसलिए इटालियन सोनेट थी, और इन्हें पेट्राकन या क्लासिकल सोनेट भी कहते थे। लेकिन मिल्टन तो इंग्लैंड के रहने वाले थे, मिल्टन इंग्लैंड से थे, तो फिर उनकी सोनेट को अलग से नाम क्यों दिया गया, मिल्टोनिक सोनेट इसलिए दिया गया कि वो इंग्लैंड में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इंग्लिश सोनेट के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया। मिल्टन ने इंग्लिश सोनेट के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया, उन्होंने जिस स्ट्रक्चर को फॉलो किया वो था इटालियन सोनेट। तो मिल्टन ने जो सोनेट लिखी वो इटालियन सोनेट के फॉर्मेट में लिखी, यही राइमिंग स्कीम उसमें पाई जाती है, या फिर कहें कि पेट्राकन सोनेट के मॉडल पर लिखी। इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर एक लाइन छोड़ रखी थी। तो जो इटालियन सोनेट है, मिल्टोनिक सोनेट को भी इटालियन सोनेट कह सकते हैं, ठीक है। मिल्टोनिक सोनेट जो है वो भी इटालियन मॉडल पर ही है, या कहें कि पेट्राकन मॉडल पर ही है, तो मिल्टोनिक सोनेट भी इसे कहते हैं। क्लियर है?
अब बात करते हैं स्पेंसेरियन सोनेट की। स्पेंसेरियन सोनेट में क्या अंतर है, ठीक है। स्पेंसेरियन सोनेट स्पेंसेरियन सोनेट का मतलब क्या है। अब स्पेंसर ने जो सोनेट लिखी वो थोड़ा और भी डिफरेंट टाइप की थी। उसमें क्या था, उसमें ना तो इटालियन रूल पूरी तरह से लागू हो रहा था और ना ही इंग्लिश सोनेट को पूरी तरह से फॉलो कर रहे थे। कौन? स्पेंसर। तो स्पेंसर ने जो सोनेट लिखी वो बिल्कुल अलग टाइप की थी, तो इसलिए इसका नाम दिया गया स्पेंसेरियन सोनेट। स्पेंसेरियन सोनेट जो है उसका राइमिंग स्टाइल बिल्कुल अलग है, राइमिंग स्कीम बिल्कुल अलग है। इन्होंने जो स्कीम दी है, राइमिंग स्कीम दी है, वो इन्होंने बताई है ए बी बी सी सी डी और ई। ओके, तो ये इन्होंने दी इसके जो स्पेंसर महोदय थे उन्होंने ए बी बी सी सी डी और ई। इस तरीके से थ्री क्वार्टर्स तो इसमें भी हैं, फोर लाइंस के, और बाद में एक हेरोइक कपलेट है। लेकिन जो इंग्लिश सोनेट में राइमिंग स्कीम फॉलो होती है वो स्कीम यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि जो इंग्लिश सोनेट की राइमिंग स्कीम है वो क्या है, ए बी और उसके बाद में आता है सी डी। जो इंग्लिश सोनेट थी इसमें हम लोगों ने क्या लिखा था, ए बी इसमें था ए बी और फिर था सी डी और उसके बाद में था ई एफ और फिर था जी। क्लियर है। लेकिन इन्होंने इसमें क्रॉस कर दिया, ए बी एक बार हो गया, फिर इसका बी ले लिया और फिर बाद में सी से स्टार्ट किया, फिर इसका सी ले लिया, फिर बाद में डी से स्टार्ट किया। तो आपस में भी क्रॉस कर रही है राइमिंग स्कीम इनकी। लेकिन इन्होंने ए बी एक क्वार्टर में हो गया तो उसे फिर छोड़ दिया, फिर नया वर्ड आया सी डी और उसके बाद में सी डी, फिर ई एफ जी। तो इसलिए इसका जो पैटर्न है, जो राइमिंग स्कीम है, वो बिल्कुल ही यूनिक है, इसलिए इसे एक अलग से नाम देना पड़ा, जिसे कहा जाता है स्पेंसेरियन सोनेट। सो दोस्तों, ये थे आपके तीन टाइप, खास तौर पे इटालियन को आपको ध्यान रखना है और इंग्लिश सोनेट को ध्यान रखना है। इंग्लिश सोनेट को ही हम लोग शेक्सपियरन सोनेट कहते हैं और उसके बाद में स्पेंसेरियन सोनेट आपको ध्यान रखना है। मिल्टोनिक सोनेट का मतलब है कि जो सोनेट मिल्टन ने लिखी हैं, जॉन मिल्टन ने जो सोनेट लिखी हैं वो मिल्टोनिक सोनेट हैं और उन्होंने इटालियन पैटर्न को ही फॉलो किया, या कहें कि पेट्राकन सोनेट को ही फॉलो किया, या हम कह सकते हैं कि उन्होंने क्लासिकल सोनेट की फॉर्म में अपनी सोनेट लिखी। इसलिए उनकी सोनेट में भी, जैसे ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, उसमें भी आपको एक ऑक्टेव 8 लाइंस का दिखाई देगा और फिर सेस्टेट 6 लाइंस का दिखाई देगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनेट को इटली में तो ठीक है, पेट्राकन मॉडल है, या इटली में दांते का नाम भी आ जाता है, लेकिन इंग्लिश जो सोनेट है इटली में इसका ओरिजिन हुआ और इंग्लैंड में इसे इंट्रोड्यूस किसने किया। तो आपका क्वेश्चन ये बनता है कि सोनेट को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किसने किया, वो आप क्या बताएंगे। तो इसे लिख सकते हैं आप, द सोनेट वाज इम्पोर्टेड टू इंग्लैंड सोनेट वाज इम्पोर्टेड टू इंग्लैंड वाई सर, आपने नाम सुना होगा, सर थॉमस व्याट एंड दो लोगों का नाम आता है, सर थॉमस व्याट एंड अर्ल ऑफ सरी, सर थॉमस व्याट और अर्ल ऑफ सरी, इन दो लोगों ने 16th सेंचुरी में किसके द्वारा, वाई सर थॉमस व्याट और अर्ल ऑफ सरी, दो लोगों को नाम आता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब सोनेट का इंट्रोडक्शन इंग्लैंड में हुआ या सोनेट को इंपोर्ट किया गया इंग्लैंड में, तो ये इटली से आई थी और ये जो फॉर्म थी वो पेट्राकन फॉर्म ही थी, ठीक है। पेट्राकन मॉडल
ठीक है। तो सबसे पहले जो इंग्लैंड में सोनेट इंट्रोड्यूस की गई थी वो इटली से आई थी, इसलिए वो पेट्राकन फॉर्म पर ही आधारित थी। लेकिन बाद में जब शेक्सपियर ने सोनेट लिखना शुरू किया या स्पेंसर ने जब इंग्लैंड में सोनेट लिखना शुरू किया तो इन लोगों ने अपने अपने हिसाब से इसे राइमिंग स्कीम दी, तो इसी तरीके से इसके नाम भी चेंज होते चले गए। शेक्सपियर ने जो सोनेट को फॉलो किया उसे शेक्सपियरियन, क्योंकि शेक्सपियर की सोनेट बहुत ही फेमस हैं और संख्या में भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए इसे इंग्लिश सोनेट दे दिया गया। उस समय रेनेसा में या कहीं एलिजाबेथन एज में शेक्सपियर बहुत ही फेमस लिटरेरी फिगर थे, तो इन्होंने सोनेट लिखी, इसलिए इन्हें क्या किया गया, शेक्सपियरियन सोनेट या फिर इसे इंग्लिश सोनेट का नाम दिया गया। इज इट क्लियर? तो ध्यान रखिएगा ये सारे पॉइंट थे किससे रिलेटेड, सोनेट से रिलेटेड थे। तो इंग्लिश में अगर किसने इंट्रोड्यूस किया आपसे पूछा जाए तो सर थॉमस ब्याट पहला ऑप्शन होगा, दूसरा आपका कौन, अर्ल ऑफ सरी। इन दोनों लोगों के कंट्रीब्यूशन से सोनेट जो थी इंग्लैंड में पहुंची थी। क्लियर है? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, और अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट लिटरेरी फॉर्म के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग कर लें, क्योंकि TGT PGT के लिए इसी तरीके से सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस हम लोग देने वाले हैं, और जैसे ही CTET की कोई डेट आती है तो उसकी प्रैक्टिस भी हम लोग स्टार्ट करेंगे यहीं पर। तो सभी लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और एक अच्छी बात यह है कि अब आप परीक्षा प्लेनेट के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो आप जाकर के टेलीग्राम पर परीक्षा प्लेनेट ऑफिशियल चैनल को सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, उसे वहाँ से ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको जो काम की चीज़ें हैं, जो अपडेट है या कुछ स्टडी मटेरियल है वो भी मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।